मेरे हिसाब से कैसे मारा था? सर खुद मैंने नहीं मारा, इन लोगों ने मारा था। अच्छा, क्यों मारा, क्या कारण था? ये भी दोनों लोग लड़ते थे आपस में। तुम्हारा क्या संबंध है इस महिला से? ऐसे प्रेम का संबंध था। उसके चलते पति की उसकी हत्या कर दी। थाना बिसरक पुलिस को सूचना मिली कि एक अज्ञात शव पड़ा हुआ है किसी का। तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एक शव पड़ा था जो छत विछत था, उसका सर उसके धड़ से अलग था। पुलिस ने तत्काल उस शव को कब्जे में लिया, पंचायतनामा करके उसे मॉर्चरी में रखवाया। उस बॉडी की शिनाख्त की गई तो मृतक के भाई द्वारा उस बॉडी की शिनाख्त हुई, महोबा का रहने वाला था। इसमें थाना पुलिस ने बिल्कुल, ये एक ब्लाइंड केस था, इसमें शिनाख्त भी नहीं थी इसकी पहले, लेकिन थाना पुलिस का ये सराहनीय कार्य रहा कि उन्होंने मेहनत से तफ्तीश की इसमें और उस मृतक के कातिलों तक वो पहुँचे। जब घटना का खुलासा हुआ तो वो कुछ इस प्रकार हुआ। मृतक की जो पत्नी थी, जो भी इसमें एक मुख्य अभियुक्त है, उसका किसी से अवैध संबंध थे। उन संबंधों को लेकर बीच बीच में पति उनके आड़े आ रहा था। इसको लेकर उन दोनों ने षड्यंत्र बनाया कि हम पति को रास्ते से हटा दें। योजनाबद्ध तरीके से पति को विश्वास में लेकर उन्हें शराब का सेवन कराया गया और शराब के नशे में ही उसकी हत्या कर दी गई और उसकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए उसकी गर्दन काट के अलग करके उसे फेंक दिया गया। कौन से हथियार से हत्या की गई थी, क्या था? एक छुरा था जो बरामद भी हो गया, उस छुरे से उसकी गर्दन काटी गई थी। कितना पुराना इनका प्रेम प्रसंग है, कुछ पता चला? अभी पूछताछ के दौरान लगभग 6 महीने से बात उन्होंने स्वीकारा कि लगभग 6 महीने पहले वो आकर अपने प्रेमी के साथ ही रहने लगी थी। 3 महीने तक उसके साथ रही भी है। करते क्या थे, कहां करते थे? ये मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालन करते थे।